नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज, इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। सितारगंज में गोवंश संरक्षण रखवा टीम व स्थानीय पुलिस द्वारा गोरीखेड़ा से भारी मात्रा में गोवंश, चार तस्कर और जिंदा गायों को बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने चारों अभियुक्तों को माल सहित कोतवाली लाकर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया। वहीं आपको बता दें कि कोतवाल ने बताया कि गोगसी करने वाले लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। एक गोरीखेड़ा गांव है, वहां की ये घटना थी और एक बिडोरा, कई गांव की पहले से काफ़ी दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि ऐसे गोगसी की घटनाएँ हो रही हैं यूपी के सीमा पर, और इसमें काफ़ी दिनों से हम लोग लगे हुए थे। तो इस संयुक्त तो एक टीम का गठन कप्तान साहब के निर्देशन में, आदेशानुसार किया गया था, और उसमें अपर पुलिस अधीक्षक साहब के निर्देशन में, सीओ साहब के निर्देशन सब लगे हुए थे इसमें। और यहाँ थाना और गोवंश संरक्षण में जो ये टीम एक गो स्क्वाड काम कर रहा है, उसके एसआई श्री विनोद कुमार और एसआई श्री अंबिराम के नेतृत्व में टीम आई थी, और हमारे थाने से एसआई श्री धीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम गई थी। वहाँ रात सुबह तड़के दबिश दी गई थी और वहाँ चार लोगों को गिरफ्तार करने में हमें कामयाबी मिली मौके पर, जिसमें 2.5 क्विंटल गोमांस बरामद हुआ और चार जिंदे जानवर भी मिले उसमें। एक वहाँ से गो तस्कर एक मुख्य जो बता रहे भाग गया है वहाँ से, बाकी एक दो गांव की और भी शिकायतें मिल रही हैं, और इसमें अभियान बहुत तेज़ी से जारी रहेगा आगे भी। चारों खिलाफ गोवंश संरक्षण अधिनियम में मुकदमा कायम करके चारों को जेल भेजा।